यूपी को लेकर सोशल मीडिया पर एक नई पॉलिटिकल डिबेट हो रही है। विधानसभा से लेकर मैनपुरी तक चर्चा पर चाचा को लेकर चर्चा गर्म हो गई। कोई ये कह रहा है कि चाचा को अखिलेश ने चलता कर दिया और अब चाचा की बारी है, 24 में चाचा अखिलेश को मैनपुरी से चलता कर देंगे। चर्चा इसलिए चल रही है क्योंकि बार बार विधानसभा में योगी ने चाचा पर चुटकी ली और दूसरी वजह ये कि समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट में ना तो शिवपाल का नाम है और ना ही उनके बेटे अक्षय यादव का। तो क्या चुनाव से यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या योगी ने यादव परिवार का खेल बिगाड़ दिया है? और क्या शिवपाल पाला बदलेंगे तो अखिलेश मैनपुरी हार जाएंगे? चाचा को लेकर मैनपुरी में क्या चल रहा है, मैनपुरी के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला लगा रही है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। चाचा कब कुर्सी हथिया लें? विधानसभा में अखिलेश से चाचा पर सवाल पूछना, बाहर निकलकर योगी का शिवपाल की पीठ ठोंकना, यूपी में अब क्या होने वाला है, योगी का क्या इरादा है, क्या चाचा के मन में कोई टीस है? फिलहाल माहौल बनने लगा है। क्या अखिलेश यादव को एक और बड़ा झटका लगने वाला है? क्या जयंत चौधरी के बाद शिवपाल भी पाला बदलने वाले हैं? योगी क्यों बार बार चाचा के लिए इंसाफ की बात कर रहे हैं? यूपी विधानसभा में योगी दो बार बोले। दो दिन में योगी ने 5 बार चाचा शिवपाल का नाम लिया और टारगेट पर अखिलेश को लिया। अब आपको और चाचा को फैसला लेना ही चाहिए, काहे बेकार उपेक्षित पड़े हुए। पीडीए में और लोग हैं लेकिन चच्चू नहीं है। आखिर परिवार के 3 सदस्यों के नाम थे, चच्चू के नाम क्यों नहीं था? चच्चू को ही भुला गए, चच्चू को ही भूल गए और बेचारे चच्चू देखते रह जा रहे हैं कि ठगे गए एक बार फिर। तो राम को ये लोग मानते तो चच्चू के साथ अन्याय नहीं करते। चाचा कब कुर्सी हथिया लें? चाचा तो जानते ही थे कि इसलिए क्या होने जा रहा है, हम लोग तो सम्मान देते हैं। राजनीति में कुछ बातें खुलकर कही जाती हैं, कुछ बातें समझनी होती हैं। चाचा से योगी की इतनी हमदर्दी चुनाव से पहले अखिलेश की टीस बढ़ाने वाली है। आप चाचा के नाम पे हमें छेड़ते हो, मैं लेकिन कुछ लोगों के नाम पे आपको नहीं छेड़ना चाहता हूं। मैं समझ सकता हूं जो मुख्यमंत्री होता है कितने दबाव में काम करता है। जयंत चौधरी चले गए, राहुल अब तक आए नहीं। अखिलेश के पास जो सबसे बड़ा सहारा है वो चाचा शिवपाल ही हैं। समाजवादी पार्टी की पहली चुनावी लिस्ट में यादव परिवार के 3 नाम हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव। डिंपल यादव अखिलेश की धर्मपत्नी हैं। धर्मेंद्र यादव अखिलेश के सगे चाचा अभय राम यादव के बेटे हैं। अक्षय यादव अखिलेश के एक और चाचा राम गोपाल यादव के बेटे हैं। लेकिन लिस्ट में ना सगे चाचा शिवपाल का नाम है और ना उनके बेटे आदित्य यादव का। 2022 में मैनपुरी संसदीय उपचुनाव से पहले अखिलेश को चाचा शिवपाल याद आए, पैर छुए, डिंपल के लिए मैनपुरी का आशीर्वाद लिया। शिवपाल भी दोबारा भतीजे के साथ खड़े हो गए थे। फिर चुनाव आ गया है, फिर चाचा शिवपाल बहस के सेंटर में है। अखिलेश के लिए चाचा शिवपाल यादव कितने जरूरी हैं, शिवपाल ने साथ छोड़ा तो क्या हो सकता है, ये जानने के लिए पहले मैनपुरी का चुनावी इतिहास और समीकरण समझना होगा। 24 में योगी का टारगेट यूपी की 80 सीटों पर भगवा लहराने का है। 80 में से 79 सीटों का समीकरण योगी ने सेट कर लिया है, लेकिन मामला फंस रहा है मैनपुरी में, क्योंकि मैनपुरी महज एक जिला नहीं है, न सिर्फ एक लोकसभा की सीट। मैनपुरी समाजवादियों का सबसे बड़ा गढ़ है। ये वो किला है जिस पर न तो 14 में मोदी की आंधी का असर हुआ, न 19 में। यहां राष्ट्रवाद की लहर चली, मैनपुरी में वोट मुलायम के नाम पर ही पड़े, क्योंकि इसी यूपी में एसपी के सरकार में वो कई मंत्रालय संभाल चुके हैं।
मुलायम सिंह की तरह ही एसपी के कोर यादव वोटर्स में शिवपाल की मजबूत पकड़ है। मैनपुरी, इटावा, एटा, सैफई जैसे इलाकों के यादव शिवपाल से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 4 सीटें मैनपुरी, भोगांव, किशनी और करहल मैनपुरी जिले में हैं, जबकि मैनपुरी लोकसभा सीट में आने वाली जसवंत नगर सीट इटावा जिले में पड़ती है। अब जरा इन 5 विधानसभा में कौन किसके पास है वो समझिए। विधानसभा की मैनपुरी सदर सीट और भोगांव विधानसभा सीट बीजेपी के पास है। करहल, किशनी और जसवंत नगर की सीट समाजवादी पार्टी के पास। करहल से अखिलेश यादव और जसवंत नगर से शिवपाल यादव विधायक हैं। मतलब ये कि विधानसभा के हिसाब से मामला 2-3 का है। मैनपुरी के उपचुनाव में डिंपल यादव को सबसे ज्यादा वोट जसवंत नगर विधानसभा सीट से ही मिले थे। फिलहाल शिवपाल यादव को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। चुनाव से पहले चाचा भतीजे के रिश्तों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल है कि अगर चाचा शिवपाल और भतीजा अखिलेश अलग हुए तो मैनपुरी लोकसभा सीट पर इसका क्या असर पड़ेगा। हमने मैनपुरी की जनता से डायरेक्ट ये सवाल पूछा, जवाब आप खुद सुन लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सदन में कह रहे हैं चाचा कभी भी इधर आ सकते हैं, तो कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है। चाचा कभी भी जा सकते हैं, जब जैन चौधरी जी जा सकते हैं तो चाचा भी जा सकते हैं। ये का अलग होने का कोई चांस नहीं है। और भाई अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग राय है सबकी, हर आदमी हर तरह से हर किसी को सपोर्ट करता है। भतीजे अगर अलग हो गए तो वोट और अच्छा पड़ जाएगा उनका, बीजेपी का जीत सकती है ना बीजेपी। बिल्कुल भाई, मेरा एक ही कहना है कि अगर काम अच्छा हो रहा है जनता की नजर में तो जीतना लाजमी है उनके लिए। चाचा अलग भी होते हैं तो मैनपुरी लोकसभा पे उसका कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैनपुरी लोकसभा यादव बहुल क्षेत्र है। अगर मैनपुरी लोकसभा के जातीय समीकरण की बात करें तो 17 लाख वोटर्स है। इनमें सबसे ज्यादा 4,30,000 यादव मतदाता है। इसके बाद दूसरा नंबर शाक्य मतदाताओं का है। शाक्य वोटर 2,90,000, 2,00,000 ठाकुर और 1,20,000 ब्राह्मण मतदाता है। 60,000 मुस्लिम, 70,000 वैश्य, 1,00,000 लोधी और दलितों का वोट करीब 1,80,000। साफ है कि अगर शिवपाल बीजेपी के पाले में गए तो अखिलेश के लिए मैनपुरी की सीट बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे में बीजेपी के पास 2 ऑप्शन होंगे। पहला ये कि वो शिवपाल को मैनपुरी से टिकट देकर मैदान में उतार दें। दूसरा ये कि वो शिवपाल से मैनपुरी में अखिलेश के अगेंस्ट प्रचार करवाए। दोनों कंडीशन में ये बात क्लियर है कि इससे मैनपुरी का यादव वोटर कंफ्यूज हो, वोट बटेगा तो फायदा बीजेपी को होगा। नहीं, यादव योगी जी सुलझे हुए व्यक्ति है, वो ये चाहते हैं जो इनके चाचा की जो दुर्गति हुई है, अखिलेश ने की है, उसे देखते हुए उनको तरस आ रहा है उनका कि ये जाके बुढ़ापे में जाके इनकी इज्जत बच जाए, इसलिए योगी जी उनकी इज्जत करते, इसलिए ये बात कहते हैं। जरूर कितना असर पड़ेगा? अरे वो तो पूरा ही पूरा असर है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ जाएंगे तो कम से कम यहाँ से 2,00,000 से अगली बार भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी लोकसभा चुनाव जीतेगी। हालांकि शिवपाल यादव ने विधानसभा में योगी के बयान पर सफाई देते हुए कहा कि वो अखिलेश के चाचा हैं और वो अखिलेश के साथ ही रहेंगे। नेता सदन को मेरी चिंता हो जाती है, ऐसा प्रतीत होता है मानो सदन में कोई कार्यक्रम चल रहा है, चाचा पर चर्चा, ये लगता है चाचा पर चर्चा। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, चाचा पीजीए के हैं और रहेंगे, शादी समाजवादी हैं और रहेंगे, अखिलेश के चाचा थे हैं और रहेंगे।
लेकिन सियासत में कब कौन किधर चला जाए ये नहीं कहा जा सकता। कौन कब तक साथ है ये दावा किया ही नहीं जा सकता। जयंत चौधरी तो अखिलेश के साथ गठबंधन का ऐलान तक कर चुके हैं, लेकिन अब नए गठबंधन के ऐलान की तैयारी में है। 22 में सवाल मुलायम का था, लेकिन 24 में सवाल शिवपाल का है। अगर अखिलेश और शिवपाल के रिश्तों की बात करें तो इस रिश्ते में मिठास से ज्यादा कड़वाहट रही है। अखिलेश यादव 2014 में पहली बार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बने। 2017 में शिवपाल अखिलेश की खींचतान की वजह से समाजवादी पार्टी का बंटाधार हुआ। अखिलेश के व्यवहार से दुखी शिवपाल यादव ने अपनी अलग राह बना ली। 2018 में शिवपाल यादव ने अपनी अलग पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बना ली। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले शिवपाल अखिलेश के साथ आ गए। विधानसभा चुनावों के नतीजे मन मुताबिक नहीं आए, अखिलेश और शिवपाल के रिश्ते फिर बिगड़ गए। अटकलें इस बात की हैं कि शिवपाल बीजेपी में जाने वाले हैं। बीजेपी और शिवपाल के बीच मीटिंग भी हुई। खुद शिवपाल यादव भी ऑन कैमरा बीजेपी के टच में रहने की बात कबूल कर चुके हैं। अगर शिवपाल अखिलेश के साथ ही रहते हैं तब भी मैनपुरी में अखिलेश मुश्किल में फंसे हैं।